दोस्तों सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और अपने प्रकाश और उष्मा से संसार को जीवन प्रदान करता है, उसी तरह से सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से मनुष्य में भक्ति भाव का संचार किया। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले सूरदास जी के बारे में। बताएंगे आपको सूरदास जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और उनसे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बैसाख शुक्ल पक्ष संवत 1535 ईस्वी को एक दिव्य ज्योति के रूप में भक्त सूरदास जी इस पृथ्वी पर आए। जन्म माद अर्थात अंधे बालक के प्रति पिता और घर के लोगों की उपेक्षा से धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर वे आगरा के पास रुनकता में रहे और फिर बल्लभाचार्य जी के साथ गोवर्धन चले गए। वहाँ वे चंद्र सरोवर के पास पारसोली में रहने लगे। वे मन की आंखों से अर्थात अंतःचक्षु से ही अपने आराध्य की सभी लीलाओं और श्रृंगार का दर्शन कर अपने पदों की रचना कर उन्हें सुनाया करते थे। दोस्तों एक बार की बात है, वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वे गिर गए। कुएं में गिरे हुए उन्हें 7 दिन हो गए। वे नंद नंदन से बड़े ही करुण स्वर में प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आकर उस कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वे अपने अंधेपन पर पछताते हुए कहने लगे, मैं पास आने पर भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सका। एक दिन वे बैठे हुए कुछ ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि आगे मत जाना, नहीं तो वह सूरदास आपका पैर पकड़ लेगा। श्री राधा ने कहा, मैं तो जाती हूँ। ऐसा कहकर वे सूरदास जी के पास आकर पूछने लगी, क्या तुम मेरी पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूँ। तब श्री राधा रानी सूरदास जी के पास आकर स्वयं अपने चरण का स्पर्श उन्हें कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आगे से नहीं पीछे से पैर पकड़ लेगा। सूरदास जी ने मन में सोचा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने तो आज्ञा दे ही दी है, अब मैं क्यों ना श्री राधा रानी के चरण पकड़ लूं। यह सोचकर सूरदास जी ने श्री राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गए। जैसे ही श्री राधा रानी ने अपना चरण स्पर्श कराया, सूरदास जी ने उन्हें पकड़ लिया। श्री राधा रानी तो भाग गई, लेकिन उनकी पायल अर्थात पैंजनी खुलकर सूरदास जी के ही हाथ में आ गई। तब श्री राधा रानी ने सूरदास से कहा कि तुम मेरी पैंजनी दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी ने कहा, मैं क्या जानू किसकी है, मैं तुमको दे दूं, फिर कोई दूसरा आकर मुझसे मांगेगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, मैं तुमको देख लूं तब मैं तुम्हें दे दूंगा। श्री राधा कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने अपने प्रिय भक्त सूरदास जी को उसी समय दृष्टि प्रदान कर उन्हें अपने दिव्य दर्शन दे दिए। दोस्तों जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, उनमें अन्य वस्तुओं के लिए स्थान ही कहाँ रहता है। जिन नयनन प्रीतम बसियो तह कीमी और सहाय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अर्थात जिन आँखों में भगवान की छवि बस जाती है, वहाँ संसारिक वस्तुओं के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। जैसे सराय को भरा देखकर राहगीर वापस लौट जाता है। दोस्तों श्री राधा कृष्ण जी प्रसन्न होकर सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास तुम्हारी जो भी इच्छा है वो हमसे मांग लो। तब सूरदास जी कहते हैं, आप देंगे नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सूरदास ने कहा, वचन देते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अवश्य देंगे, तुम मांगो तो सही। तब सूरदास जी कहते हैं, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है, उनसे मैं इस संसार को अब नहीं देखना चाहता, मेरी आँखें पुनः फूट जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। दोस्तों अंधा क्या चाहता है, 2 आँखें, लेकिन आँखें अर्थात दृष्टि मिलने पर पुनः अंधत्व मांग लेना, यह सूरदास जी जैसा अलौकिक व्यक्तित्व का धनी ही कर सकता है। सूरदास जी के मन में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों सूरदास जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की आँखें छल छल करने लगी और देखते ही देखते सूरदास जी की दृष्टि पूर्ववत अर्थात फिर से वे दृष्टि हीन हो गए।
दोस्तों श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं कि जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का पद। उसके मन में ना तो सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह भोग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। सूरदास जी प्रतिदिन गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें नए नए पद सुनाते थे। एक दिन अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया और पारसोली आकर श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर चबूतरे पर लेटकर गुसाई जी और श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्रृंगार के दर्शनों में सूरदास जी को ना देखकर गुसाई बिठुल नाथ जी ने अन्य अष्ट छाप के कवियों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना है वह ले लो। गुसाई जी सहित सभी लोग सूरदास जी के पास आए। गुसाई जी के यह पूछने पर आपका चित्त कहाँ है, सूरदास जी ने जवाब दिया, मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ जिनसे नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। दोस्तों सूरदास जी 95 साल की अवस्था में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रार्थना करते हुए गोलोक को प्राप्त किया। फ्रेंड्स गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए एक बार, भक्त सूरदास जी की जय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं भक्त सूरदास पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।